यदि आपके मोबाइल की मेन्यू या वॉल्यूम कीज खराब हो गई हैं, या फिर आप अपने फोन में आईफोन जैसा असिस्टिव टच लगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इससे आपके फोन को एक नया लुक मिलेगा। आप बिना वॉल्यूम बटन दबाए वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकते हैं, या फिर बिना मेन्यू की दबाए मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अपने मोबाइल में असिस्टिव टच का यूज करके आईफोन का मजा भी ले सकते हैं। इससे मोबाइल को चलाना आसान हो जाता है और ये चीज आपके लिए एक नया अनुभव होगी। असिस्टिव टच को यूज करने के लिए आपको अपने फोन में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए ऐप को ओपन करते हैं और देखते हैं इसकी वर्किंग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए ऐप को ओपन करते हैं। यहां पर आप जो भी भाषा रखना चाहें अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं इंग्लिश ही रहने देता हूं। यहां दबाते हैं, अलाउ परमिशन कर दीजिएगा, कंटिन्यू टू ऐप। यहां पर आपको एक और परमिशन देनी होगी, आई नो करिएगा। देखिए ये है ऐप का इंटरफेस। असिस्टेंट टच यहाँ से इनेबल होता है और ऐसे डिसेबल होता है। ठीक है, देखिए ये इनेबल हो गया, हम इसे दबाते हैं, अलाउ परमिशन कर दीजिएगा। देखिए ये है ऐप का इंटरफेस। यहाँ पर इस वक्त हमें 5 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लॉक, फेवरेट, मेन, सेटिंग, होम। होम को दबाने पर होम आ जाएगा इस तरह से। फेवरेट को दबाएंगे तो आप यहाँ पर फेवरेट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। प्लस को दबाते हैं ऐसे, यहाँ पर आप जो भी चीज़ें फेवरेट में ऐड करना चाहें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इनशॉट ऐप को यूज़ करता हूँ इसलिए मैं यहाँ पर इसे दबाता हूँ। अब इनशॉट ऐप में आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। इस तरह से फेवरेट में आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। लॉक को दबाते हैं, लॉक को दबाने पर यह आपकी स्क्रीन को लॉक कर देगी। अब हम सेटिंग्स को दबाते हैं। देखिए यहाँ पर इस वक्त इतनी सेटिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, आप इन्हें यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर दी है फ्लैश लाइट की सेटिंग, वॉल्यूम अप डाउन की सेटिंग, ऑटो रोटेट की सेटिंग, ब्लूटूथ, वाईफाई, लोकेशन, और ये है नॉर्मल आपका रिंगटोन का। ठीक है, यहाँ से आप बैक कर सकते हैं इस जगह से। मेन को दबाते हैं, ऐड को क्लोज कर दें, फिर से सही का निशान को दबाएँ। मेन को दबाने पर हम असिस्टिव टच के अंदर आ जाते हैं। कस्टम मेन्यू को हम दबाते हैं। यहां पर प्लस की बटन को दबा के आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। देखिए अब यहां वाईफाई भी ऐड हो गया है, और भी चीजें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आइकॉन को दबा के आप यहां से आइकॉन चेंज कर सकते हैं, जो भी आप इसका रखना चाहें। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सेटिंग को दबाते हैं, यहां पर है बैकग्राउंड कलर, जिस भी तरह का बैकग्राउंड कलर चाहते हैं यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहां पर कस्टम एक्शन, सिंगल टैप पर, डबल टैप पर और लॉन्ग प्रेस पर आप क्या चीज़ें करना चाहते हैं ये आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से ये चीज़ें देख लीजिएगा। एनिमेशन की स्पीड आप क्या चाहते हैं ये आप यहां से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साइज क्या रहेगी इसकी आप यहां से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ये बड़ा हो गया, ठीक है, और ये छोटा हो गया। ओपेसिटी यहां से कम ज्यादा की जा सकती है। यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग्स, ठीक है, इसके बाद ये आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देगा। इसके नीचे है बैटरी चार्जिंग इन्फो, यहां पर बैटरी चार्ज की इन्फो दिखाएगा। इसके नीचे है डार्क मोड, इस तरह से डार्क मोड में तब्दील हो जाता है। ठीक है, डार्क मोड से आंखों पर स्ट्रेस कम पड़ता है। नोटिफिकेशन क्लीनर, स्टार्टेड नाउ को दबा के आप नोटिफिकेशन को क्लीन कर सकते हैं। मित्रों यदि आप इस ऐप को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको ऐसे बटन दबानी होगी, ओके करना होगा। ये ऐप डायरेक्ट अनइंस्टॉल नहीं होती है, इसके लिए आपको पहले मेन्यू कैसे डाउन करना होगा। थोड़ा सा ऐसे देखिएगा, यहाँ मैनेज डिवाइस एडमिन ऐप्स पर जाइएगा। इसके बाद ये जो ऊपर लिखा असिस्टिव टच, इसको अनचेक कर दीजिएगा। इस जगह पर आके आपको डीएक्टिवेट को पहले दबाना होगा। ठीक है, इसके बाद अब आप ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए अब ये ऐप अनइंस्टॉल हो जाएगी। ये देखिए अनइंस्टॉल्ड असिस्टिव टच लिखकर आ गया है।
एंड्रॉयड में इनबिल्ट असिस्टेंट मेन्यू का यूज करके मोबाइल में वॉल्यूम को कैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं या कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जानने के लिए ये वाला वीडियो देखिएगा। कीप लर्निंग, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी के साथ।